हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है बंगाल की प्रियंका। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड प्रोलॉन्ग्ड रिलीज टैबलेट IP500mg का रिव्यू। तो मेटफॉर्मिन यूज़ की जाती है प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज प्रोग्राम के साथ, और साथ ही अलग अलग मेडिकेशन के साथ भी हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में। ये टैबलेट यूज़ की जाती है पेशेंट में टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ, जो कि है मेलिटस या शुगर डायबिटीज़। ये टैबलेट कंट्रोल करती है हाई ब्लड शुगर और हेल्प करती है बचाने में किडनी को डैमेज होने से, ब्लाइंडनेस होने से, नर्व की कोई प्रॉब्लम होने से, हमारे शरीर के किसी अंग को नष्ट होने से बचाती है, हमारे सेक्सुअल फंक्शन के प्रॉब्लम से बचाने में हमारी हेल्प करती है। मेटफॉर्मिन ऑल्सो डिक्रीज करती है, यानी कि घटाती है शुगर के अमाउंट को जो भी आपका लीवर बनाता है। इस टैबलेट को प्रेगनेंसी के दौरान जब आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तब भी दी जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और जिनको कभी शुगर की प्रॉब्लम नहीं होती है उन्हें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, और ज़्यादातर वोमेंस के इस टाइप के शुगर डिलीवरी के बाद ठीक भी हो जाती है। तो आपके शुगर लेवल के अनुसार प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर आपको ये टैबलेट लेने बोलते हैं। अगर आपका शुगर लेवल थोड़ा ज़्यादा है तो इस टैबलेट को दिन में 2 बार लेना होता है, और अगर उतना ज़्यादा नहीं होता है, 1 महीने बाद टेस्ट करने पर नॉर्मल भी होता है, तो भी इस टैबलेट को 1 बार दिन में लेना ही होता है। साथ ही डाइट मेंटेन करनी भी होती है और वॉक करना भी ज़रूरी होता है। कुछ भी भारी खाना खाने के बाद वैसे शुगर होने पर वॉक करना ज़रूरी होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हो जाए तो भी वॉक करना ज़रूरी होता है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखने के लिए। और वैसे भी अगर आपको शुगर ना भी हो तो भी प्रेगनेंसी के दौरान वॉक करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। इस टैबलेट का जो टेस्ट है वो बिटर नहीं है, ये सैल्टी टेस्ट में होता है, और कोशिश कीजिएगा इसे बिना तोड़े या चबाए खाने की, जिससे ये बॉडी में जाके अच्छे से काम करे। और अगर आपको इस टैबलेट को पूरा पानी के साथ खाने में परेशानी हो रही है तो डॉक्टर की सलाह लें कि इसे आप 2 टुकड़ा करके खा सकते हैं या नहीं। तो इस मेडिसिन की जो डोजेज हैं वो तो आपके मेडिकल कंडीशन पर बेस्ड होती है, और आपके डॉक्टर जिस तरह से इस टैबलेट को आपको लेने बोले उसी तरह से इस टैबलेट को आप लें, सुबह में, इवनिंग में, जिस भी टाइम को डॉक्टर आपको बोले, जिससे आपके हेल्थ में कोई भी परेशानी ना हो। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इस वीडियो से थोड़ी जानकारी मिली हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।